नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा लगातार शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए कार्रवाइयां की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई के दौरान विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयों को एक साथ अंजाम दिया गया। निगम का तोड़फोड़ दस्ता शुक्रवार को राधिका नगर सड़क के किनारे विश्वकर्मा मार्केट में दो स्थानों पर अवैध रूप से टीन शेड लगाकर किए जा रहे कब्जे को बुलडोजर से ध्वस्त किया। टीम ने मॉल रोड में फरीदनगर के पार्क साइड नामक ओयो पंजीकृत होटल पहुंची और निगम के अधिकारियों ने होटल संचालक से आवश्यक दस्तावेज की मांग की, लेकिन पूरी कार्रवाई के दौरान भवन स्वामी उपस्थित नहीं हुए। जांच में भवन अनुज्ञा भवन पूर्णता मौके पर नहीं पाया गया तो निगम ने भवन विभाग द्वारा नोटिस जारी कर होटल का संचालन बंद करवाया। इसके बाद निगम का तोड़फोड़ दस्ता सिरसा रोड कोहका में होटल फ्रेंड्स पार्क पर कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा तो गुरु कृपा डीजे जो बारात के साथ चलते हुए मानक क्षमता से अधिक ध्वनि प्रदूषण फैला रहा था उसे रोककर आवश्यक जांच पश्चात अर्थदंड अधिरोपित किया गया। निगम की टीम होटल फ्रेंड्स पहुंची जहां बाराती ठहरे हुए थे। निगम की जांच टीम ने होटल संचालक से आवश्यक दस्तावेज का अवलोकन करने के बाद ओयो बोर्ड को हटवाया और भवन पूर्णता प्राप्त करने तक होटल को बंद रखने का पंचनामा किया। साथ ही होटल द ग्रीन रेस्टो की जांच में गुमाश्ता व अनुगप्ति लाइसेंस की अवधि समाप्त पाए जाने पर ₹5,000 का अर्थदंड वसूला। राज्य शासन एवं जिला प्रशासन के निर्देश पर हमारे आयुक्त श्री रोहित प्यार सर ने निर्देशित किया है तोड़फोड़ दस्ता को कि निगम क्षेत्र में जितने गुमटियाँ हैं अवैध रूप से जो संचालित मांस मटन के व्यवसाय कर रहे हैं और रोड को जो बाधित कर रहे हैं, ऐसे गुमटी ठेले अवैध कब्जों को हटाना है और यातायात को सुगम बनाना है। उस दिशा में कार्रवाई लगातार चल रही है। आज राधिका नगर में विश्वकर्मा मार्केट है सुपेला थाना के बगल से, उसमें कुछ लोगों ने अपने दुकान आवंटित दुकान के बाहर टीन सेट डालकर अतिरिक्त कब्जा किया था, उसे दो स्थान पर हटाया गया है। उसके बाद टीम जो है फरीदनगर में एक होटल में पार्क होटल में गई, वहाँ पे ओयो का बोर्ड लगा हुआ था, क्योंकि इन दिनों ओयो की भी लगातार कार्रवाई की जा रही है तो उसको वहाँ दस्तावेज की जांच की गई, कुछ दस्तावेज अप्राप्त पाए गए, इसके आधार पर होटल को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। उसके साथ ही कोहका में जब ये टीम कार्रवाई करते करते पहुँची तो वहाँ पे एक डीजे जो बारात के साथ चल रही थी उसको में जो अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाया जा रहा था उसे रुकवा कर उसकी जांच की गई। उसमें ध्वनि विस्तारक यंत्र मापने का यंत्र नहीं था तो इसे दंड स्वरूप ₹10,000 जुर्माना किया गया। साथ ही उस एरिया में एक फ्रेंड्स पार्क करके एक होटल थी उसकी भी जांच की गई, जहां बाराती ठहरे हुए थे वहां से ओयो के बोर्ड को हटवाया गया और उससे दस्तावेज पूरे पाए गए। भवन अनु पूर्णता प्रमाण पत्र उस होटल का नहीं था, इसलिए उसको जब तक भवन पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त न कर ले तब तक के लिए बंद करने के आदेश दिए गए हैं। कार्रवाई में अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा, जोन आयुक्त खिरोद्र भोई, सहायक राजस्व अधिकारी जेपी तिवारी, बालकृष्ण नायडू सहित सुपेला थाना के पुलिस बल साथ में रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।